पैसेंजर नेम मयंक। ये देखो गाइस स्टंबल ट्रोली, सामने है भवन, तो यहाँ से आगे जाती पालकी वगैरह। अभी की पूरे पैर सुन लो भाई। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए बढ़िया से व्लॉग में। और आज है गाइस मेरा व्लॉगिंग डे चैलेंज का डे 19। और सभी भाइयों को जय माता दी। अभी हमें वैष्णो देवी में, कल घर से निकले थे अपने वैष्णो देवी के लिए, और अभी हम जा रहे हैं भवन दर्शन करने के लिए माता के। और यहाँ तक गाइस हम हेलीकॉप्टर से आए हैं। अगर आपने मेरे पिछला व्लॉग मिस कर दिया ना, तो आप जाके देख लो, उस व्लॉग में हम हेलीकॉप्टर से आए और बहुत अच्छा व्लॉग था वो भी। इस ट्रिप पे गाइस हमारे साथ हमारी नानी, मम्मी, दीदी, पापा, दैविक और मैं, हम सारे आए हैं। और अभी हम जा रहे हैं माता के भवन दर्शन करने के लिए। अभी अभी उतरे हैं बस हेलीपैड से, ऊपर ही हेलीपैड से थोड़ा नीचे चल के आए हैं। अब मैंने अपना कल का व्लॉग एंड किया और दूसरा चालू कर दिया। यहाँ पे हम पूरे पालकी पालकी मिल रही हैं। एक के लिए हमने ये वाली चेयर ले ली है, इस पे आराम से बैठ के जाएगा। चले भाई आपकी राइडर वाली गाड़ी पे, थक जाएगा ना। यहाँ से भी अभी दूर है भवन, कम से कम 3-4 किलोमीटर तो चलना ही पड़ता है ना हेलीपैड से भी। चलो अभी थकेगा नहीं, आराम से चलेगा। जय माता दी। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। सामने इसको मुड़ते ही हम पहुंच जाएंगे भवन, मोड़ के मुड़ते दिखाऊंगा भवन। देखो क्या देख रहे हैं। हेलो ब्रदर, किरण तूने भगा दिया। ओए हेलो ब्रदर, उससे भी छोटा। हेलो, अरे अरे पापा जी, कैमरे ने फोकस नहीं किया। कैमरामैन जल्दी फोकस करो भाई, बहुत सारे हैं। सीटी नहीं बज रही। मैं हाथ टेस्टिंग करते हैं, मेरा हाथ कटवा ले भाई, काट लियो जरा इसका हाथ। सो रहा है एक्टिंग के बादशाह क्या भाई? मेरा भाई है, मैं कुछ भी करूं तेरे क्या? एक्टिंग के बादशाह। इस मोड़ पे मुड़ते भवन दिखाई देगा तुझे, कैसे बता? देख क्या पिछले, पता है सामने से वो जो होगा इस बोरा माता का भवन। यहाँ जाना है अभी हमें, इतना दूर है अभी हम। देखो भाई, चलो भाई, मैं बोला था ना ऐसे दिख जाएगा। अर्धकुआरी तो पीछे है, यहाँ से 11 किलोमीटर पीछे है अभी अर्धकुआरी। अगर हमें अर्धकुआरी जाना है तो आज स्टे करना पड़ेगा यहीं। कभी एकदम से ऐसी खड़ी चढ़ाई आती है एकदम, और कभी एकदम से ऐसे नीचे आ जाता है। अब वो पूरी ढलान है। कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा, मजे आ रहे हैं। जय माता दी। अभी तो बहुत दूर है, 1 किलोमीटर और मान लो अभी है। ये देखो गाइस स्टंबल ट्रोली जो वहाँ पे जाती है ऊपर भैरव बाबा पे, ये देखो वहाँ नीचे से जाती है। गाइस सामने है भवन, और अभी यहाँ से हम लेंगे व्यू पॉइंट है, यहाँ से पिक्चर वगैरह ले सकते हो, फोटो वगैरह। भवन आएगा आपके एंगल में। और भाई कैसे लग रहा है गाड़ी में, हैं मजे आ रहे हैं? मेरे को मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं। मजे आ रहे हैं? मेरे हाथ ठंडे हो, लेकिन मजे तो नहीं आए, लेकिन मेरे हाथ ठंडे। मजे नहीं आया पर हाथ ठंडे हो गए। क्या बोला तूने अभी? क्या अंकल मैं बैठ सकता हूँ? फट जाएगी बेचारी ये जो भी, क्या बोलते हैं तू बैठे घोड़ा मजा है, ये तो क्या ही है। हेलो लंगूर भैया, भवन का इस एकदम सामने आ गया है। तो यहाँ पे दैविक को भी उतार रहे हैं, यहाँ से आगे जाती पालकी वगैरह। यहाँ पे इस प्रसाद वगैरह, तो इसके प्रसाद वगैरह हमें सब लेने हैं। सबने का इस जय माता दी वाली चुन्नी बांधी है। नानी नानी आप ही बांधो ना, आपकी चुन्नी कहाँ है? क्या मम्मी दीदी दैविक?
प्रसाद वगैरह भी ले लिया है सब। कंबल ट्रोली की लाइन देखो भाई, आगे भाई साहब और भी पीछे तक है। और आज के डेट में तो इसमें लग गए नंबर नहीं छूट भाई, फिर पीछे यार आज नहीं आया वैसे नंबर लग गए तो मैं पकड़ लेगा। भाई सब मेरा जाना है देखो कितना सुंदर रास्ता है भाई, कितना मस्त है, बस वीडियो नहीं बना देते अब गाइस। क्लॉक रूम में वहां पे जाके अपने फोन वगैरह सब सबमिट कर देंगे, यहां से जाएंगे अब मंदिर में। हमारा और फोन का सफर बस यहीं तक था, इसके आगे जब हम दर्शन करके आएंगे फिर हमारा फोन के साथ सफर जुड़ जाएगा दोबारा। इतना अच्छा रास्ता बना रखा है ना, अगर कैमरा ना होता तो इतनी बढ़िया वीडियो होती। यहां पे सारे जूते चप्पल फोन बेल्ट सब कुछ यहीं पे जमा हो जाता है क्लॉक टावर में। आपसे दर्शन करके आएंगे फिर मिलेंगे अब सीधा जय माता दी। तो जय माता दी भाइयों सभी को, फाइनली अभी दर्शन करके आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है भाई, माता के बहुत अच्छे दर्शन हो गए, बिल्कुल भी रश नहीं था, आराम से दर्शन करे बैठ के आए वहाँ पे बहुत देर तक। नंगे पैर गए थे ना दैविक की, पूरे पैर सुन्न हो चुके भाई, रो रहा है बेचारा, हमारे भी सुनने पूरे दर्द हो रहा है। पापा जी कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया भाई, जय माता दी। और भाई सारे आओ, खुले दर्शन हो रहे एकदम, कोई भीड़ नहीं है और बढ़िया दर्शन हो रहे हैं। नानी कैसा लगा दर्शन करके? हाँ बहुत अच्छा लगा बेटा। कैसा लगा दर्शन करके? अब भाई सबसे पहले जाना है रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए क्योंकि अब लग रही है भूख, तो थोड़ी देर बैठते हैं भाई, उसके बाद जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए टंबल ट्रोली में लग के। लाइन तो इतनी लंबी थी किसी ने सोची ना होगी भाई, कोई नहीं लाइन में लग जाएंगे आ ही जाएगा नंबर। तो पहली बार इतनी स्टीप चढ़ाई है, ऊपर से दैविक भी पापा के ऊपर लदा हुआ है, क्या खुद चल रहे ना उसकी तो दैविक भी पापा, हिम्मत है भाई पापा की भी, पूरी रात गाड़ी चला के आए हैं, एक मिनट के लिए सोए भी नहीं, सीधा चढ़ गए भाई साहब। मैंने और दीदी ने गाइस मंगाए कढ़ी चावल, बाकी सब खा रहे राजमा चावल, खाते हैं भाई बढ़िया से खाना वाना सब खा लिया है भाई, है हमारी चाय। दैविक ने बोला कि पापा मुझे खाने पिज्जा, तो साइड में डोमिनोज है, पापा गए इसके लिए पिज्जा लेने, अभी का पिज्जा भी आ गया है वहाँ पे लगा पड़ा खाने में, और हमने भी अपना सारा खाना पीना खा लिया है और पापा गए वहाँ टम्बल ट्रॉली की लाइन में लगने के लिए। तो दैविक जैसे पिज्जा खा लेता उसके बाद हम भी जाएंगे लाइन में लगने। अब मुझे पता चला इतनी लंबी लंबी लाइन क्यों लग रही है और जल्दी जल्दी लोग कैसे निकल रहे, क्योंकि गाइस एक बार में जो टम्बल ट्रॉली में ना जैसे हमारे वो होती कितने जाते हैं 5-10 उससे ज्यादा नहीं जाते, यहाँ पे एक टम्बल ट्रॉली में 50 जने जाते हैं एक साथ, वहाँ से लेके आ तक ना ये बस 20 जने होंगे, ऐसे पूरी लाइन तक 50 जने जाते हैं एक बार में ट्रॉली में, बहुत लंबी लाइन है यार, बहुत लंबी गाइस, सोचने वाले हैं बस ये गोल गोल घूमेंगे ऐसे ऊपर चढ़ेंगे वहाँ पे आ जाएगा टम्बल ट्रॉली वाला, वो तो रहा था लेट नंबर आएगा पर जल्दी आ गया क्योंकि गाइस एक बार में 50 बंदे जाते हैं इसलिए। देख लो गाइस भगवान पर हम जा रहे टम्बल ट्रॉली में, ये जय माता दी, जय माता दी, जय भैरव बाबा की, जय भैरव। यहाँ पे भी लाइन है क्या? हैप्पी दिवाली। देखो गाइस भवन, यहाँ पे गाइस पूरी लाइन लग रही है टिकट काउंटर के लिए, वहाँ पे टिकट काउंटर है ना तो पूरा घूम घूम के जाना पड़ता है। दैविक और मैं तो यहाँ पे आ गए कोने में, तो पापा टिकट विकेट ले। आज गाइस मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई पता है, रात में मैंने सोचा कि व्लॉग एडिट करके सोऊंगा, तो कल रात में मैं सो गया गाड़ी में एडिट नहीं हुआ, मैंने सोचा कल आज सुबह कर लूँगा, और आज हम यहाँ पे आ गए और आज सुबह से टाइम नहीं मिल रहा अब, और रोज़ व्लॉग भी डालना जरूरी है क्योंकि आपको तो पता है मैंने चैलेंज दे रखा है 30 डेज का, अगर नहीं डालूंगा तो फिर चैलेंज टूट जाएगा, तो मैं समझ नहीं आ रहा आज क्या करूँ, ना व्लॉग एडिट कर सकते यहाँ पे क्योंकि ना यहाँ पे चार्जर वगैरह कुछ। इस टिकट काउंटर के पास आ गया पूरे लाइनों में से होते हुए जिगजैग वाली, और यहाँ पे अब 100 रुपये टिकट है भाई 1% की, सारे लगे हुए लाइन में। ये हमारे दैविक है, तुम्हें क्या आ रही है दैविक? क्या इसको फिर पोटी आने लग गई? मेट्रोली में जाना है, मेट्रो में जाना है, मेट्रो में जाना है गाइस। हिल स्टेशन वैष्णो देवी, पैसेंजर नेम मयंक, टिकट जो भी है टिकट जर्नी वैष्णो देवी टू टिकट। बहुत बढ़िया भाई ये, बहुत देखो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं उनसे कंपेयर करो बहुत बढ़िया। ये तो बटर बटर कर रहा है इसमें नहीं बैठ रहे हम, पापा प्लान कैंसल। चल आगे को देख, वो सब तो ठीक है लेकिन कच्छा टांगने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, बंदर का कच्छा होगा। अरे दैविक तेरे कच्छा लटक रहा है पेड़ में, देखो गाइस पूरे आ गए हैं
टंबल ट्रॉली है वहाँ पे, उससे चलते थे वो टंबल ट्रॉली में, गोल सा घूम कर रहा था, इससे चलती है धीरे धीरे चल रही है, देखो अभी ऊपर ट्रॉली आएगी, इसमें तो नहीं बैठ पाएंगे हम, अगले में ही जाएंगे। ये सारे इतने ही भेजे हैं 50, इसमें ही जाएंगे अब हम जाएंगे भाई, इसमें शायद इसमें ही जाएंगे, कि वो जो बाहर अंकल थे ना उन्होंने गिन के 50 भेजे थे अंदर, जा रहे हैं ये इसी में ही जाएंगे, बहुत बढ़िया यार ये। अब गाइस हम जा रहे हैं ऊपर, क्या कर रही है? घोड़े की तरह मार रही है? यहाँ से पैदल है, जब यहाँ से पैदल आओ गाइस, खुलेंगे गेट निकलेंगे। अभी गाइस हम पहुँचने वाले बस भैरवा के, वहाँ वहाँ से हम उतरे थे टंबल ट्रॉली से, तो थोड़ा सा पैदल चल रहे हैं यहाँ पे सिराजे का मंदिर, तो चलते हैं भाई। पापा जी वहाँ पे भी नहीं है ना कैमरा लाओ, तो सब है पहुंची गाइस भैरव बाबा के मंदिर के बाहर, यहाँ पे भी कैमरा लाओ नहीं है, तो अगर मैं कुछ दिखा पाया तो आपको दिखा दूंगा नीचे छुपा के कैमरा, वरना सीधा आपसे दर्शन करने के बाद ही मिलते हैं। ले गया इसका मकसद था कि लेके जाने ले गया। दर्शन कर लिए गाइस भैरव बाबा के, तो अभी पापा गए दर्शन करने और मैं जा रहा हूँ अभी वॉशरूम करने, और वॉशरूम है भाई कम से कम आधा एक किलोमीटर नीचे, तो पूरा जहाँ से जो स्टार्ट होती है ना वो ट्रॉली, वहाँ पे है वॉशरूम, तो वहाँ जाना पड़ेगा वापस। प्रसाद छीनने में माहिर हो रहे हैं भाई सारे बंदर। घोड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घोड़ी। तो अभी गाइस हम भैरव बाबा के मंदिर से सीधा निकल के आ गए रोपवे के पास, ये सामने आ चुके हैं हमारे रोपवे। पहले जब हम निकले थे तो वहाँ से निकले थे, अब घुस रहे थे यहाँ से घुस रहे नीचे जाने के लिए, अब जल्दी से नीचे ही पहुँच रहे हैं ना, क्योंकि हेलीकॉप्टर वरना चला जाएगा ज़्यादा लेट हो गए। तो यहाँ पे चल रहा है भाई लाइव अपना, जो जो भाई लाइव नहीं देखते ना लाइव भी देखा कर, बस नीचे पहुँचने वाले हैं। इस बार मैं फ्रंट पे खड़ा हुआ, अभी नहीं पहुँचते। आ गए भैया नीचे, देखो नीचे का व्यू। अब हम गाइस सीधा यहाँ से जा रहे हैं हेलीपैड पे, सारे दर्शन वगैरह सब कर लिए हमने, टंबल ट्रॉली से बाहर आ गए हैं, जा रहे सीधा अपने हेलीपैड। भाई हेलीपैड जाना अभी तक टास्क है, कम से कम 4 किलोमीटर यहाँ से हेलीपैड, तो पूरी खड़ी चढ़ाई है, जब आए थे तब तो नीचे की चढ़ाई थी, अब पूरी खड़ी है ऐसे। अभी गाइस वो जो खड़ी चढ़ाई थी ना उससे निकल के आ गए हैं यहाँ पे, दीदी और नानी और मम्मी तो आए थी स्टेयर से, पापा और मैं आए थे रोड वाले से, क्योंकि दैविक था ना उस पर जो टायर वाले नहीं होता तो वो सीढ़ियों से नहीं आ सकते, तो वो रोड से आ सकते हैं, इसलिए पापा और मैं रोड से आए थे। सर कैसा लगा सीढ़ियों पे? अच्छा। जब पापा चले गए थे ना हेलीपैड पे बाबू को लेके, तब मैं रुक गया था मम्मी दीदी और नानी के लिए, तो वो पानी पीने लग गए थे, तो मैं इतने चल दिया था, मैं ज़्यादा ही आगे आ चुका हूँ भाई। तो देखो वो ही है क्या हेलीपैड हमारा, पता नहीं सांझी छत भाई, बस यहाँ से 900 मीटर का रास्ता है अभी, और मम्मी और दीदी और नानी को मैंने थोड़ी देर पहले पीछे देखा था, मतलब वो आ ही रहे हैं पीछे, मैं चलता हूँ धीरे धीरे। अभी गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हेलीपैड पे, भाई पैरों में जो दर्द हो रहा है ना पूरी खड़ी चढ़ाई थी एकदम, लो दीदी भी आ गई, मम्मी और नानी भी, पापा आ गए थे 5 मिनट, वो आप कितनी देर पहले आए थे? 5-7 मिनट हुए बस। अभी गाइस हम फाइनली पहुंच गए हैं नीचे, और गाइस जैसा कि मैंने कुछ बताया था ना वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, मेरा 360 भी छीन लिया था दीदी, जिंदाबाद कैसे फोन छुपा के ले लेंगे, बना दी वीडियो देखते रहे मेरा वीडियो। जो गाइस हमारे होटल के हमें वैन छोड़ने गई थी ना भैया, वो दोबारा से हमें आ गए लेने के लिए, तो
तो हम जा रहे हैं अपने होटल पे वापस। तो अभी गाइस हम अपने होटल में आ गए हैं, जिसमें हम सुबह रुके थे ना उसी होटल में दोबारा से आज हम स्टे कर रहे हैं, वही रूम है हमारा। और अब भाई करेंगे थोड़ी देर रेस्ट रूम में आके अपने, नींद आ रही है बहुत। अभी गाइस टाइम हो गया, अभी बज गए रात के 9 और भाई सारे रेस्ट कर रहे थे, अभी सारे सो भी रहे हैं। अभी मैं उठाऊं और दैविक की डिमांड आई है, नीचे डोमिनोज है ना होटल के, कह रहा मुझे पिज्जा दिला के ला। सुबह ही तो खाया था, दोबारा खाना है आज। भाई सुबह से बहुत थक गए थे और व्लॉग वगैरह एडिट वगैरह करने में डालने में और भी ज़्यादा थक गया मैं तो, और अभी अभी व्लॉग डाला है मैंने। दिखा ले और दांत दिखा ले। हमारा होटल है ना गाइस पूरे मॉल में बना हुआ है, से बाहर निकलते हैं तो डोमिनोज सागर इतना सब कुछ है, सब लैपिनो सागर इतना डोमिनोज तो सब है। हमारा ऑर्डर नंबर है 236, अभी चल रहा है 226, तो जब 10 ऑर्डर हो जाएंगे फिर आएगा हमारा नंबर। कौन सा पिज्जा लिया है आपने? कौन वाला? ओके, को पिज्जा दिला के लाया और हमने थोड़ा बहुत हमने भी खा लिया, और अब हम जा रहे हैं दुद्दू लेने के लिए, बिकॉज पापा ने बोला है कि दुद्दू पियेंगे सारे, तो इसलिए पापा ने बोला दुद्दू लेके आओ। और मेरी बहन सो रही थी, मैं इसकी गुद्दी पड़ के इसको ऐसे उठा के ले आया। किससे का अंकल ये? हाँ दो ले लो दो। अभी गाइस हमने ले लिया है दुद्दू अंकल की शॉप से यहाँ पे, और कुछ ही है डायरी के लिए लोटे चोको पाए भी ले लिया, और हम जा रहे हैं भाई अपने होटल में, यहाँ कुछ मार्केट है। गाइस ने फोर्थ फ्लोर की जगह ग्राउंड फ्लोर दबा दी, इसमें डर लगता है मुझे ग्राउंड फ्लोर पे। ये तो पीछे देख, मम्मी चुप रहे, मैं अपन देखो तीन खुदा जी खुदा जी, चलो तुम बच्चे मम्मी को जा, जयराम जी की चेहरे मान कर गुस्सा कर जाएगा पीछे लोग हो जा रहे। देखो गाइस पीछे का व्यू, हम बच चुके हैं ऊपर को दिखा रहे मंदिर, हाँ वहाँ पे ऊपर है वैष्णो माता का मंदिर। ये कुत्ता हमें यहाँ पे गाइस खाना देता है। तो गाइस जो मैं दुद्धू लेके आया था वो मम्मी ने यहाँ पे उबाल दिया है केतली में, आज डिनर पे दुद्धू पियेंगे भाई। डिनर क्या सुबह से खा ही रहे हैं, देखो पिज्जा के बॉक्स और मंचूरियन और चाउमीन भी मंगाए थे, दाल मंगाई थी, रोटी मंगाई थी, मतलब सुबह से खा ही जा रहे हैं, तो पेट पर फूल है। तो डिनर आज का करेंगे दुद्धू से। गाइस दुद्धू बना है तो दुद्धू जल गया केतली में, दुद्धू जल गया। पापा कह रहे दुद्धू को जला के खोआ बना दे, उबाल के दे। हां बटन दबाओ। पापा खोआ कैसे बन सकता है? गाइस पापा जला हुआ दुद्धू पी गए, दूध तो स्वाद लग रहा है। ठीक है रुक जा यार, ते उतर हमारे चूतर पर लगा देंगे। जे 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 माता शीरा वाली।